चटनी अंडा चॉप हमारा तैयार हो गया है और कितना क्रिस्पी है, देखिए कितना अच्छा बना है ये। तो आप भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत टेस्टी है, इंस्टेंट बनता है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाना है अंडा चटनी चॉप। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है शर्मी टूटू लाइफस्टाइल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा चटनी चॉप, अंडा कटलेट विद चटनी। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और मेरे रेसिपीज़ को आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो चलिए चलते हैं किचन में, शर्मीज़ किचन में, कुछ अंडा कटलेट अंडा चॉप बनाने के लिए, चटनी अंडा चॉप। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 एग बॉईल कर लिया है, 4 पोटैटो ले लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती ले लिया है। मैं बनाने वाली हूँ एग चॉप, चटनी वाला एग चॉप बनाने वाली हूँ। और ये चटनी मैंने इधर डाल दिया है स्ट्रेनर में, ताकि इसके जितने भी पानी है वो निकल जाए। और इधर मैंने मैदा ले लिया है थोड़ा सा, इसका सैलरी वो बनाने के लिए, घोल बनाने के लिए। इधर मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम लिया है और ये थोड़ा सा पेपर पाउडर लिया है उसमें डालने के लिए आलू के मसाले में। तो आइए चलिए देखते हैं, आलू को स्मैश कर लेते हैं स्मैशर से, फिर आपसे मिलते हैं। स्मैशर से मैं स्मैश कर रही हूँ अच्छे से, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैं स्मैश ही कर रही हूँ इसको। मैंने अभी 3 आलू ही करूँगी स्मैश। और ये इतना अच्छा नाश्ता बनता है, इतना अच्छा टी टाइम, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, तो ये बहुत मतलब अच्छा स्नैक्स है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अंडा, किसी भी रूप में दे दीजिए। हमारे घर में तो बड़े भी बहुत पसंद करते हैं अंडा, तो वो मतलब जैसे मर्जी दे दो, अंडा तो पसंद ही है उनको। आइए चलिए स्मैश करके दिखाती हूँ आपको। मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा मैंने गर्म मसाला लिया है, थोड़ा काली मिर्च ली है किसी भी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका आलू गीला है तो आप इसमें थोड़ा क्रम मिक्स कर सकते हैं। अब मैं धनिया पत्ती इसमें डालूँगी, थोड़ा अच्छे से डालूँगी धनिया पत्ती। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और आलू को हमेशा ध्यान रखना है कि आलू तभी आप स्मैश करना जब आपका आलू ठंडा हो जाए, नहीं तो गीले में आलू, देखिए अभी हमारा आलू कितना अच्छा है। और गीले गर्म आलू अगर स्मैश करेंगे ना तो वो गीला हो जाता है। वैसे आलू आलू के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, पहाड़ी आलू वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, तो डिपेंड करता है आलू के ऊपर भी। एकदम सूखे आलू होते हैं, तो ये मेरा तो मुझे लग रहा है थोड़ा गीला ही है आलू जो आया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैंने मैदा ले लिया, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा मैं इसको पानी डाल के घोल बनाऊँगी। पहले थोड़ा डालिए पानी, नहीं तो एकदम से पतला हो जाएगा। और ये इतना अच्छा स्नैक्स है, यहाँ पे हम गोवा में रहते हैं, गोवन इसको इतना पसंद करते हैं कि मतलब अगर चले जाएंगे जूस काउंटर में तो जाके यही मांग लेंगे कि हमको एग चॉप्स। तो एक तरह से मैं एग चॉप और एक कटलेट ही कह लीजिए, एग चॉप भी कर लीजिए, मैं वही बनाने वाली हूँ। और इस तरह से मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी। ये भी बहुत गाढ़ा है, थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए अच्छा सा ऐसे घोल तैयार कर लूँगी। आलू और अंडे जो हैं वो मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था आपको दिखाने से पहले, टाइम थोड़ा सेव हो जाता है। और आलू के साथ ही मैंने अंडे बॉईल किए थे, तो मेरा अंडे का कलर भी थोड़ा सा पिंकिश सा आ गया है, वाइट नहीं है पूरा, क्योंकि वो मैंने आलू के साथ ही बॉईल किया था, धो के ही मैंने चढ़ाया था। फिर भी थोड़ा कलर तो आलू के छिलके का आ ही जाता है। ये देखिए तैयार हो गया, तो अभी भी गाढ़ा ही है, थोड़ा सा मैं पानी और डालूँगी और ये अब तो बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमें यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ये तैयार हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये हमारा आलू तैयार हो गया है, ये हमारा एग जो है ये भी मैंने काट लिया है, और ये मेरी चटनी जो है मैंने इसका पानी जितना हो सकता है निकाल दिया है। तो इस तरह से मैंने आलू का लोई ले लेना है इतना बड़ा, और इसके अब फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है।
मैं ऐसे एक रोटी सा बना लिया आलू का। अब इसके ऊपर मैं ये अंडा रखूँगी और अंडे के ऊपर मैं रखूँगी ये चटनी जो मैंने पीसा है। और ये चटनी जो है ना, ये आपका धनिया पत्ती, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन और इमली, इसकी चटनी है। अब इसको मैं पैक कर दूँगी। मैंने ऐसे बना लिया है और इसको बाद में नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है वो दिखाती हूँ। मैं ऐसे ही सारा बना के आपको पहले दिखा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ तो मेरा एक हाथ, सॉरी हाथ भी आ रहा है, एक हाथ मेरा वीडियो में मतलब पकड़ती हूँ मैं फ़ोन और एक हाथ से मैं बनाती हूँ इसलिए। तो चलिए ऐसे ही सारा बना के आपको बाकी का दिखाती हूँ। 6 बन गए जितने मैंने 3 eggs लिए थे। इसको मैंने थोड़ा ड्राई डस्ट किया है, अभी मैं इसको भी थोड़ा ड्राई डस्ट करूँगी इसमें डाल के, ऐसे से करके थोड़ी देर इसको ऐसे ही करके छोड़ूंगी ड्राई डस्ट। अगर आप हाथ भी नहीं लगाना चाहते तो ऐसे भी करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये और सेफ है, इससे टूटने का बिल्कुल चांस नहीं है। ऐसे ही मैं सारा ड्राई डस्ट कर लूँगी। ये कटलेट बहुत टेस्टी कटलेट है, बहुत मतलब इजी कटलेट है, बहुत सालों से ये कटलेट लोग बनाते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं, तो कुछ नया रेसिपी नहीं है। पर मेरा मन था ये बनाने का, मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं था ये, तो मैंने सोचा चलो ये भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत कॉमन है रेसिपी, फिर भी चलो शेयर करने में क्या जाता है। कि आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर मैं थोड़ा ग्रो करूँगी अपने चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि मैं थोड़ा ग्रो कर सकूँ। मेहनत तो मैं भी बराबर से ही करती हूँ जैसे सब करते हैं, बट ये है कि चलो धीरे धीरे ग्रो कर रही हूँ मैं आप लोगों के प्यार की वजह से। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मेरे खाना जो भी रेसिपी है उसको लाइक करते रहिए, पसंद करते रहिए, शेयर करते रहिए और घर में बना के सबको खिलाते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है देखने के लिए। इनका घोल था ये, इधर मैंने ऑयल लगा दिया है, उसको गर्म होने के लिए दे दिया है। इधर जो बेसन, सॉरी बेसन का गला, मैदे का जो घोल था इसमें मैं एक ये डालूँगी ऐसे हल्के हाथ से, और इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए इसमें, अब इसको मैं हाथ नहीं लगाऊँगी, ऐसे ही मैं हिला के इसको कवर करूँगी। ये देखिए तैयार हो गया। इसी तरह से मैं सारा तैयार कर लूँगी, डालूँगी इसमें और इसको उठा के इसमें, और उसके बाद इसको ऐसे हिला के सारा तैयार कर लूँगी। फिर ऐसे ही तैयार करके आपको दिखाती हूँ सारा। मैंने डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया था, ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन हो रहा है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। ऐसे ही मैं एक एक करके ही तलूँगी, क्योंकि वो फिर हीट अगर कम हो गया ना ऑयल का तो फटने का डर रहेगा, इसलिए मैं एक एक करके ही तलूँगी। ये देखिए ऐसे ही मैं सारा तलूँगी। मैं थर्ड वाला इसमें डाल रही हूँ और ये सेकंड वाला मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, ऐसे ही मैं सारा निकाल लूँगी फ्राई करके। ये देखिए धीरे धीरे, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनता है, आप इसके अंदर बहुत कुछ और भी स्टफ़ कर सकते हैं, वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी, अलग अलग चीज़ स्टफ़ करके अच्छा अच्छा वीडियोज़। ऐसे ही मैं सारा करके आपको दिखाती हूँ। सब मैंने तल लिया है और गर्मा गर्म अंडा चॉप, चटनी अंडा चॉप जो है तैयार है। अभी आप देखिए कितना क्रिस्पी है ये, ये देखिए। अभी मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, तो चाय के साथ आइए चलिए खाते हैं अंडा चटनी चॉप चाय के साथ। अंडा चटनी चॉप हमारा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए चाय के साथ। तो ये देखिए मैंने इसको प्लेटिंग कर दिया है, काट के मैंने सर्व किया है, आप चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, चटनी भी अंदर दिख रहा है। तो
तो आइए थोड़ा सॉस के साथ इसको डेकोरेट करें ऐसे करके। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। तो मुझे ज़रूर मतलब फॉलो कीजिए और जैसा भी मेरा रेसिपी है उसको लाइक किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।